एवरीवन, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूपी पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका सिलेबस क्या होगा, वो पूरा हम इसमें आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए कि पीछे भी आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है यूपी पीजीटी सिलेबस मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और हम ये भी बताएंगे कि अपनी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और अपने मोबाइल ऐप पे कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे चलेंगी, कुछ क्लासेस हमारी अपने मोबाइल ऐप पे चलेंगी। और इसके लिए एक चैनल है जो क्रिएटिंग टीचर्स नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये केवल टीचर्स के लिए है, उसमें सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टीचर्स से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, क्वेश्चंस हैं, साथ में पेपर कैसा आएगा, वो सारा हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें समझ लीजिए कि जल्दी क्लासेस आपके स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए यूपी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न 2024 पहले समझ लीजिए क्या आएगा। टाइम 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू होगा, 125 क्वेश्चन आएंगे, 125, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 425 होगा और फॉर एवरी राइट आंसर 3.4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, इसको समझ लीजिए कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न 2024 में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है टोटल क्वेश्चंस, मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और वेटेज क्या है इसकी, ठीक है। तो अब ये समझिए कि सब्जेक्ट जैसे पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी फिजिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 125 क्वेश्चन आएंगे और हर करेक्ट क्वेश्चन के 3.4 मार्क्स मिलेंगे और टोटल मार्क्स होंगे 425 और जो सब्जेक्ट का वेटेज होगा वो 85% होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एक्सप्रेसिवनेस में 3% और जनरल नॉलेज इंटरव्यू में 4% और पर्सनालिटी टेस्ट में 3%, इस तरीके से टोटल मिला के 50 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। और इसका जो वेटेज लगेगा वो 10% लगेगा, क्लियर। अब बात करते हैं आगे स्पेशल क्वालिफिकेशन, जैसे डॉक्टरेट डिग्री हो गई, एमएड हो गया, बीएड, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स हो गया, इस तरह की कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो उसके 25 मार्क्स होंगे और इसका जो वेटेज लगेगा ये 5% का लगेगा, ठीक है। अब टोटल अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 500 और वेटेज ये हो गया आपका 100%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि यूपी पीजीटी का मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और पूरा सिलेबस क्या है ये समझिए। जैसे कि हम बात करें, अब ये आपको पूरा टोटल सिलेबस हम आपको अपने मोबाइल ऐप पे कंप्लीट कराएंगे, लाइव क्लासेस होंगी। और हमारा दूसरा जो चैनल है क्रिएटिंग टीचर्स, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एलजब्रा है, ठीक। एलजब्रा में क्या क्या करना है, सॉल्व्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो हो गया आपका टोटल, ये वाला पार्ट आपका एलजब्रा का पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी तभी कर पाएंगे जब आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पता हों और प्रोबेबिलिटी भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड है, तो ये दोनों आपको एक साथ करनी है। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 11th, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिल्कुल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो 9th क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको वो वहाँ से नहीं करनी है, मतलब बेसिक तो कम आएगा लेकिन हायर ज़्यादा आएगा, तो आपको ग्रेजुएशन और बीएससी लेवल को ही लेना है, ग्रेजुएशन लेवल को ही आपको टच करना है और साथ में आपको मास्टर लेवल भी जाना है,
ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए मॉडर्न अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, सेट थ्योरी, रिलेशन मैपिंग एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। अपने आप में ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, मतलब क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। MCQ आएगा तो आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। S माइनस A वाले फॉर्मूले भी होंगे इसमें, डेल्टा अपॉन S वाले भी फॉर्मूले होंगे ये सारे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स और सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, सर्कुलर फंक्शन भी आएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं, उनको जरूर करना है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिमोवर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th 12th वाला तो बहुत अच्छे से करिएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन में है उसको आप कंप्लीट जरूर करिएगा। एनालिटिक ज्योमेट्री में क्या आएगा, 2D और 3D दोनों, 2D और 3D में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, और प्लेन भी होगा। तो ये सारा आपको करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्फेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, साथ में प्लेन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर करना है। इसके बाद बात करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलस पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें, जैसे इसमें देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट वाले क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सारे ही आपको करने हैं। एरिया बाउंडेड रीजन के भी क्वेश्चन आएंगे साथ में, और इसमें देखिए डिफरेंशिएशन, टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, फंक्शन एंड लिमिट, इंटीग्रल कैलकुलस में भी दो पार्ट हो गए, अब इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट वाले, एप्लीकेशन इसका जरूर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैलकुलस का पार्ट। कैलकुलस का पार्ट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है और ये करीब 20 क्लासेस में कवर होगा, 20 क्लास लगेंगी इसमें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में कराना है पूरा। अगर ये पार्ट हो गया तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चन एनी वे से आएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करिएगा और हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्रिएटिंग टीचर्स, ठीक है, उसी में सारा कोर्स आपका कंप्लीट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसी चैनल पे मिलेगी। और जो हमारे उसका मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस 2D और 3D दोनों ही आएंगी, पोजिशन वैक्टर, एडिशनल सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स, प्लेन, ये सारा इसमें वैक्टर एनालिसिस में आएगा। फिर नेक्स्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की अगर बात करें तो डायनेमिक्स में जो टॉपिक्स हैं ये ऑलमोस्ट फिजिक्स के ही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे खासी मैथ्स में इसमें आते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस ऑफ लॉ ऑफ मोशन, पुली वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्स की। अब इसमें आपको क्या करना है, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ टू फैक्टर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन थ्री फोर्सेस, पहले थ्री फोर्सेस वाले, फिर मोर देन थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, पैरेलल फोर्सेस, मूवमेंट्स एंड कपल्स,
ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजिड बॉडी पर, फिर जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको एक तरीके से पैटर्न बना के तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक तो ये लिख दिया, आप टॉपिक में भी क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद डाउट सेशन भी रखेंगे। पहले हम अपने तरीके से पूरा कोर्स कवर करेंगे, उसके बाद आपका डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, थ्योरम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम, टेलर्स थ्योरम और जितनी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो सारी आपको केवल थ्योरम्स करनी है। साइलो थ्योरम हो गई, आप इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट लिख देते हैं और ऑप्शन में थ्योरम्स लिख देते हैं, साइलो थ्योरम है कि कॉची थ्योरम है या इंटीग्रल थ्योरम है या मीन वैल्यू थ्योरम है, तो ये सारी लिख देंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट याद कर लेंगे तो आप आंसर को डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। एना टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जिसके क्वेश्चन 100% है कि आते ही हैं, वो क्वेश्चन हम जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे सॉल्व करने। हमारे अपने खुद के ही नोट्स हैं और मैं खुद अपने ही नोट्स से आपकी क्लासेस लूंगी, ठीक है। मोबाइल ऐप पे हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, साथ में लाइव क्लासेस भी होंगी, तो डाउट भी आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरम का तो बिल्कुल, थ्योरम आप मान लीजिए 5 क्लासेस में हमारी कंप्लीट थ्योरम होगी, तो ये आप मान के चलिए कि इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, सारी थ्योरम्स हो जाएंगी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की सारी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या, अब जो पेपर आ रहा है प्रीवियस ईयर का, अभी तक आया है जो पूछा गया है, उसमें से जो क्वेश्चंस है वो हम आपको जरूर करवाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करके जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब क्वेश्चन वो भी करने हैं जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने अपने जो नोट्स बनाए हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो आधे से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी उसी में हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो यहीं ओवर करते हैं। आप लोग हमारा नया चैनल क्रिएटिंग टीचर्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कब से हमारी क्लास शुरू होगी, क्योंकि डेट हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।